हम इस ब्रह्मांड में अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं, जहां पर पृथ्वी की तरह ही मानव बस्तियां बसाई जा सकें। और इस रेस में सबसे आगे है हमारी सौरमंडल का चौथा प्लैनेट, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो वहीं इसे वैज्ञानिक भाषा में मार्स यानी कि मंगल कहा जाता है। वैज्ञानिक अभी तक पूरे सोलर सिस्टम में इसी प्लैनेट पर जीवन की संभावनाएं और मानव बस्तियों को बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी सौरमंडल में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मौजूद हैं। इनमें से पृथ्वी से पहले वीनस यानी कि शुक्र मौजूद है। वहीं पृथ्वी के बाद मार्स सूरज के ऑर्बिटल में लगातार चक्कर लगा रहा है। वीनस की दूरी पृथ्वी से करीब 50 मिलियन किलोमीटर है। वहीं मार्स से धरती की दूरी 70 मिलियन किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि धरती से यदि एक मिशन मार्स पर भेजा जाए और एक मिशन वीनस पर भेजा जाए, तो दोनों में से वीनस पर पहुंचना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि दूरी कम होने से समय कम लगेगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये उठता है कि जब वीनस की दूरी पृथ्वी से मार्स की तुलना में कम है, तो भी वैज्ञानिक मार्स पर ही इंसानी बस्तियां बसाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार कई सालों से इस सौरमंडल के प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कई प्रकार के स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं। कई सालों से मार्स पर मानव रहित रोवर और मार्स के आकाश में कई सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक वीनस पर भी इसी तरह की खोज में लगे हुए हैं। कई दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिसे हम हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और नरक प्लैनेट कहते हैं, उसी वीनस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, जबकि मार्स पर पृथ्वी के जैसा थिक एटमॉस्फेयर नहीं है। इस खोज के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हुआ कि क्यों ना वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने से पहले शुक्र ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने का प्रयास करना चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम मार्स और वीनस के बारे में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि क्यों वैज्ञानिक मार्स को अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार मार्स और अर्थ में काफी समानताएं मौजूद हैं। दोनों ही प्लैनेट्स का जन्म एक ही समय एक ही प्रकार के मैटर से हुआ था। इसके अलावा दोनों ही प्लैनेट्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसी ही है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्स बहुत ही ड्राई और बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन की संभावनाओं को जन्म दे सकती है। किसी भी जीवन को पनपने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। मंगल के दोनों ही पोल्स पर पानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, यानी यहाँ पर फ्रोजन आइस के रूप में पानी की मौजूदगी है। इसके अलावा इसकी सरफेस पृथ्वी की तरह ही रॉकी है, तो वहीं इसके पास का खुद का एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को मार्स की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी एविडेंस मिले हैं, तो वहीं एस्ट्रोनॉमर्स को सदियों पुरानी नदियों तालाबों के सबूत भी मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी समय यहाँ पर भी जीवन के पनपने की संभावनाएं मौजूद रही होंगी। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मार्स को फिर से एक हैबिटेबल प्लैनेट में बड़ी ही आसानी से बदला जा सकता है। वहीं इसके विपरीत वीनस को अर्थ का ट्विन्स भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे से काफी सिमिलैरिटीज शो करते हैं। इन दोनों ही प्लैनेट्स की डेंसिटी, शेप और मास लगभग एक समान ही है। इसके अलावा यह मार्स की तुलना में धरती के ज्यादा करीब है। यही नहीं, दोनों ही प्लैनेट्स एक जैसे ही ऑर्बिटल्स में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वीनस के लिए तो एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ तक दावा करते हैं कि दोनों ही प्लैनेट्स का जन्म एक ही टाइप की स्पेस बॉडीज और कंपोजिशन से हुआ है। इसी कारण से वीनस को अर्थ की बहन भी कहा जाता है। दोनों में एक जैसी बहुत सी सिमिलैरिटीज होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढना शुरू किया कि क्या वीनस पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 1960 से लेकर 70 तक के दशक में कई स्पेस मिशन वीनस के लिए भेजे और इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। वैज्ञानिकों ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बेस पर वैज्ञानिकों को एक बात तो समझ में आ गई कि भले ही वीनस और अर्थ का इतिहास एक जैसा ही रहा हो, लेकिन आज यानी वर्तमान पूरी तरह से बदला हुआ है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस पर रिसर्च की तो पाया कि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और इसी कारण से यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से
यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 90 गुना ज्यादा होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक छोटी सी बॉल में बदल देगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम इसकी सतह पर जिंदा तो लैंड कर ही नहीं सकते। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस की बहुत ही ज्यादा डेंस लेयर से घिरा हुआ है, और इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। वीनस की सतह का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसी कारण से वीनस किसी भी तरह की सिविलाइजेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जबरदस्त टेम्परेचर जीवन के पनपने के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसी कारण से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर होने वाली बारिश नॉर्मल बारिश नहीं होती, बल्कि यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है। जी हाँ, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसे जीवन के लिए किसी भी तरह से फेवरेबल कंडीशन नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वीनस के पास कुछ कंडीशन ऐसी भी मौजूद है जो मार्स के पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि वीनस मार्स की तुलना में सूरज के काफी करीब मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी मार्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा पहुँचती है। किसी भी जगह पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू करने से पहले इस फैक्टर को देखा जाता है कि वहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है। वीनस के पास सूरज का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को सिर्फ सूरज के प्रकाश से ही बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मार्स के पास ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि सूरज से मार्स की दूरी बहुत ज्यादा है, और इसी कारण यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ पर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऑप्शन पर काम करना होगा, जो कि खतरनाक और काफी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। ऐसे ही दूसरा फैक्टर ग्रेविटी का है। किसी भी प्लेनेट पर रहने के लिए ग्रेविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह काम करती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के पनपने का एक कारण इसकी ग्रेविटी भी है। इसी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की सतह पर जीवन लगातार पनप रहा है। यदि हम मार्स और वीनस की ग्रेविटी की तुलना अर्थ से करें, तो हमें पता चलता है कि वीनस की ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के समान ही है। वीनस की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की लगभग 90% है, जो कि अर्थ से काफी सिमिलर है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्स की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में सिर्फ 38% ही है, जो कि बहुत ही कम है, और इसी कारण से मार्स की सरफेस पर लैंड करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। मार्स की इतनी कम ग्रेविटी के कारण ही मानव द्वारा भेजे जाने वाले अधिकतर मिशन इसकी सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाते, और आधे से अधिक मिशन लैंड करते समय फेल हो जाते हैं। तो वहीं वीनस की ग्रेविटी अर्थ के समान ही है, इसलिए वीनस पर बड़ी ही आसानी से लैंड किया जा सकता है। मार्स की बहुत कम ग्रेविटी के कारण यदि मानव मिशन भेजे भी जाएं, तो यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि बोन लॉस और मसल्स लॉस को फेस करना होगा, जो कि काफी दर्दनाक साबित हो सकता है। इन सभी फैक्टर का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि हम जीवित तो वीनस की सरफेस पर लैंड नहीं कर सकते, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के पास वीनस पर कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू करने का एक और ऑप्शन मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वीनस के क्लाउड पर बड़ी ही आसानी से कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो इस ब्रह्मांड में यदि अर्थ जैसा वातावरण कहीं मौजूद है, तो वह वीनस के क्लाउड यानी वीनस की सरफेस से करीब 50 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच मौजूद है। यहाँ पर पृथ्वी की तरह ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन मौजूद है। जहाँ वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं इस ऊंचाई पर यह घटकर 50 डिग्री सेल्सियस से भी कम रह जाता है, जो कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर से काफी करीब है। जहाँ वीनस की सरफेस पर इसके खतरनाक एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण लैंड करना मौत को बुलावा देने के समान है, तो वहीं दूसरी तरफ वीनस के क्लाउड पर एटमॉस्फेयर प्रेशर घटकर सिर्फ एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर तक पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर ही है। इसलिए यहां बड़ी ही आसानी से लैंड किया जा सकता है। इसके अलावा इस ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर प्रेशर ही नहीं, बल्कि एटमॉस्फेयर कंडीशन भी पृथ्वी की तरह काफी फेवरेबल ही है। वीनस का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस है, और इसी कारण से ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज को एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करने की परमिशन ही नहीं देता,
और इसी के चलते यहाँ पर बड़ी ही आसानी से बिना किसी खतरे के कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन जैसी गैस और दूसरे यूजफुल एलिमेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। यानी यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को स्ट्रगल करने के लिए जरूरी हर एक कंपोनेंट मौजूद है, तो वहीं खेती के लिए जरूरी कंपोनेंट भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। यानी यहाँ पर बसाई जाने वाली कॉलोनी के लिए खाने की बड़ी ही आसानी से व्यवस्था की जा सकती है। इस कारण से कहा जा सकता है कि वीनस के क्लाउड के ऊपर पृथ्वी से काफी सिमिलैरिटीज शो करने वाली कंडीशन मौजूद है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने हवा में तैरती हुई मानव बस्तियों की कल्पना की है, जो कि एक बलून के माध्यम से बसाई जा सकती है। इस बलून को फ्लोट करवाने के लिए इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी हल्की होती हैं। और इसी कारण से वीनस पर बसाए जाने वाले बलून को फ्लोट करवाने के लिए हमें अलग से फ्यूल की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, तो वहीं यहाँ पर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बलून्स के माध्यम से ही फ्लोटिंग खेती भी की जा सकती है। लेकिन इन सभी फेवरेबल कंडीशन के बावजूद हमें अपनी एयरक्राफ्ट से बाहर आने के लिए एक स्पेशल सूट की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ की हवा काफी जहरीली है जो कुछ ही सेकंड्स में आपकी जान ले सकती है। नासा ने तो इस दिशा में अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। नासा हैवॉक यानी हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के नाम से एक मिशन के द्वारा वीनस पर सबसे पहले फ्लोटिंग बलून्स भेजने वाला है और यहाँ पर सबसे पहले रोबोट्स को बसाया जाएगा। इस तरह से आने वाले 25 से 30 सालों बाद हॉलीवुड मूवीज की तरह हम भी हवा में तैरते शहर में रहने लगेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नासा 25 से 30 सालों बाद वीनस के बादलों में फ्लोटिंग सिटी बसा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।